कि आप लोग लड़ सकते हैं, लेकिन सीता माता हनुमान जी को बहुत आशीर्वाद दी। आशीष दीनी राम प्रिय जान हो तात बल शील निधान, अजर अमर गुण निधि सुत करहु बहुत रघु नायक छो। छह आशीर्वाद जो है सीता माता को देते हैं। सबसे कहते हैं कि आप जो है ना बलवान बने, शीलवान बने, चरित्रवान बने। उन्होंने बहुत सारे लोग बलवान तो है लेकिन चरित्रवान नहीं होते। कोई चरित्रवान होंगे तो बल नहीं होता है। लेकिन हनुमान जी को सीता माता आशीर्वाद देती है, आप बलवान भी बनो, चरित्रवान भी बनो और गुणों के खान बनो, गुणवान भी बनो। तीन वर्ग हो गए, बलवान, शीलवान, गुणवान। वो कहते हैं अजर वृद्धावस्था आपको स्पर्श ही न करे। हनुमान जी अभी भी है, चिरंजीवी है हनुमान जी। भले वो फोटो में दाढ़ी बाढ़ी को सब देख करके दिखाते हैं वो अलग बात है, लेकिन यहां सीता माता कह रही है ये आपको जरा वस्त्र स्पर्श नहीं कर सकते। ये चौथा आशीर्वाद है। पांचवा आशीर्वाद है कि आप अमर बन जाओ, आपका नाम सदा अमिट रहे। और छठा सबसे आप राम के प्रिय बने, सबसे बने अंतिम में आशीष देती है आप राम को प्यार करें अथवा राम भी आपको प्यार करें। जैसे आप सोच लीजिए आपकी लड़की है, बहुत प्यारी है, बहुत प्रेम करते हैं और उसकी शादी हो रही है और उसके लिए आप आपके सामर्थ्य के अनुसार कार दी, अनेक प्रकार के आभूषण दिए, कुछ बैंक बैलेंस भी कर दिए, सब कुछ दिए, लेकिन पति उनको प्रेम नहीं करता तो लड़की खुश होगी क्या? आप तो सब दिए लेकिन पति विपरीत है। पति अनुकूल आप दीजिए, भले आप संपत्ति मत दीजिए। वो लड़की ससुराल में भी खुश रहे। वो सीता माता कहती है कि राम जी आपको प्यार करें, राम का प्यार आपको प्राप्त हो। तो हनुमान जी बहुत खुश हो जाते और अशोक वाटिका है उसमें बहुत फल लगे हुए सुंदर सुंदर। देखो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको कोई भी चीज दिखाई जब पड़ जाए तो तुरंत भूख लगती है, मुझे ये चीज। रास्ते में आप उसको 7 बजे कभी चलिए, चॉकलेट खाएंगे, वो लड्डू खाएंगे, ये रसगुल्ला खाएंगे, ये खिलौना लेंगे, वो लेंगे, जो भी दिखाई पड़ेगा। अब घर से बिल्कुल शांत होकर के चल रहे, जो जो चीज भी दिखाई पड़ेगी सब वो देती। अब हनुमान जी के सामने वहां फल दिखाई पड़ा सुंदर सुंदर फल, और वहां जो फल लगा था वह फल कोई नहीं खाते थे, उसमें कोई भी फल खाने वाले नहीं थे। वहां तो सब भैंस खाने वाले हैं, मुर्गा खाने वाले हैं, भेड़ बकरे खाने वाले हैं, पीने वाले सब थे, फल खाने वाले कोई नहीं। एक आध होंगे विभीषण जैसे, लेकिन कोई खाने वाले थे नहीं। अब हनुमान जी को लगा कि भाई इतने सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं और बगिया में सब पहरेदार तो है, फल से किनका फल की और किसी की दृष्टि ही नहीं। अब हनुमान जी को भूख लगी फल देखते ही, तो हनुमान जी कहते हैं
सामने सुंदर सुंदर फल देखे और देखते ही उनको भूख लगती है। तो सीता माता कहती है कि देखो ठीक है, हम इतने बहुत दूर से आ रहे हैं तो भोग लगना तो स्वाभाविक है, और हनुमान जी जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया, सीता जी से मिलन हो गया, बातचीत हो गई। अब उसके पहले ना वो खाए ना कहीं विश्राम की, तो भोग लग रही है। सीता माता कहती है देखो ये जो फल है ये सामान्य फल नहीं है, सामान्य फल नहीं है, तो इसलिए फल तोड़ना नहीं, जो फल नीचे गिरा हुआ होगा ना उस फल को। और गीता पढ़ेंगे, गीता में भगवान ने कहा मां फले सुखदाते, फल आशा त्याग करो, आप यदि फल चाहेंगे तो आप फंस जाएंगे। फल तो भगवान देते हैं, हाँ कहते मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, कभी तो मिल भी जाता है लेकिन बहुत चीज नहीं मिलती है, क्यों? क्योंकि उस प्रकार के कर्म है ही नहीं, केवल चाहने से थोड़ी कोई चीज मिल जाएगी। तो इसलिए फल खाने की जरूर जाओ, लेकिन वहां बड़े बड़े जो असुर है, बलवान असुर है, सब रखवाली कर रहे हैं, इसलिए तोड़ना नहीं, फल नहीं तोड़ना। अब हनुमान जी को लगा कि भाई ये जो इतने रखवाली कर रहे हैं, सब चप्पे चप्पे सब बैठे हुए हैं, अपनी गप्पे लड़ा रहे हैं, तो सीता माता तोड़ने के लिए तो मना कर रखी है, पेड़ उखाड़ने के थोड़ी मना की है। इसलिए हनुमान जी ने पेड़ उखाड़ के नीचे पटके वो जो फल गिर जाता था तो उसको पेड़ से फल नहीं को, क्योंकि सीता माता मना कर रखी थी तो उनके विरोध में भी नहीं जाना, जो आज्ञा दी है उस आज्ञा को पालन करना है। अब पेड़ उखाड़ करके उसको पटकने लगे, अब सबसे सुंदर बगीचा था, अब हनुमान जी तहस नहस करने लगे, तो जितने भी असुर थे सब टूट पड़े हनुमान जी। अब हनुमान जी किसी को फेंके, किसी को कुचले, किसी को मारे, और उसके बीच में रावण का पुत्र भी आ गया अक्षय, तो उसको भी नष्ट कर दिया हनुमान जी, और डर के मारे असुर जो है दूर दूर भागने लगे, और ये समाचार जाकर के रावण को सुना, एक बंदर आया है और अशोक वाटिका जो है ना ये तहस नहस कर सकते, थोड़ा विचार करके देखो, कोई यदि अपने लड़के का नाम अक्षर रखेगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा? रखते जरूर हम लोग अक्षय, अक्षय कुमार नाम रखा तो नहीं मरेगा क्या? वो अशोक वाटी का नाम रखें, सीता माता दुखी बैठी हुई है, नाम भले अशोक वाटी का है, संताप से युक्त है, तो केवल नाम रखने से कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात, ये जो अशोक वाटी का है उसमें कहते हैं ये मोह की वाटी का है, रावण मोह का प्रतीक है, मोह की बाकी का है, उसमें सब अज्ञान के फल लगे हुए, और मोह का बाकी का मतलब थोड़ा अपने जीवन में घटाइए, मोह का मतलब जो है मेरा 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 करते ना, यही मोह है, मोह कहीं दूसरी जगह से आने वाला है नहीं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा असक्ति अनभि स्वंग पुत्र दार ग्रह दिशु नित्यम च समुचित तत्व इष्टानिष्ट उपपत्ति। वो कहते हैं असक्ति
माने मोह नहीं, शक्ति का मतलब होता है राग मोह करना, राग का अभाव मोह रहित होना चाहिए। कहाँ कहाँ? पुत्र दार गृह पुत्र के प्रति मोह होता है, पत्नी के प्रति मोह होता है, पति के प्रति मोह होता है, घर के प्रति मोह होता है, वो आदि सु गांव जितने भी जोड़ सकते हैं, मित्र है, माता पिता है, मकान दुकान है, संपत्ति है, जमीन जायदाद है, आदि आदि उसमें मोह होता है। भगवान ने निषेध कर दिया भाई मोह मत करो, क्यों? क्योंकि ये आपका नहीं है, जो भगवान की चीज है उसको यदि आप कहेंगे कि ये मेरा है तो आपको कैसे मिलेगा? वो चीज जिसकी है उसके पास वो शोभा देती है, लेकिन हम लोग जब उसको अपनाएंगे, और दूसरी बात है जो भी चीज है जब आपको लगता है कि ये मुझे मिल गया है उसी समय से आपसे दूर होना शुरू होता है। अब जैसे हम लोगों को शरीर मिला है, शरीर आपसे दूर हो रहा है कि नहीं? रोज आयु घट रही कि नहीं घट रही? लेकिन हम लोगों की बुद्धि विपरीत होती है, उम्र घट रही है हम लोग कहते हैं कि उम्र बढ़ रही है, जब ये घट रही है। कभी आप देखेंगे जो तालाब होता है बरसात के दिनों में बिल्कुल पूर्ण हो जाता है और फिर पानी उसमें घटने लगता है, और धूप जब आएगा तो अंत में सूख भी जाता है तालाब, कई तालाब सूख जाते हैं। तो वहां पानी बढ़ा हुआ था, घट गया, दिखाई पड़ता है। लेकिन हम लोगों के जीवन में विवेक नहीं करने से ऐसा लगता है कि भाई अभी तो उम्र बढ़ रही है, जबकि उम्र घट रही है, मृत्यु के करीब हम लोग जाते हैं, रोज करीब जाते हैं। तो मोह रूपक जो बाकी का है उस मोह को हनुमान जी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब कौन नष्ट कर सकता है? कहते हैं कि जो संयमी है, जो विवेकी है, जो वैराग्य पाए। हनुमान जी संयमी भी है, विवेकी भी है, वैराग्यवान भी है, और ज्ञान के निधान भी है। नहीं तो मोह के संसार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो अक्षय कुमार को भी मार दिए हनुमान जी ने, और इस बात को सुन करके रावण में ना आग बबूला हो। अरे जो बंदर भालू है ये तो हम लोगों के भोजन है, और आप कह रहे हैं कि बानर आकर के मार रहा है। तो ठीक उसी समय इंद्रजीत कहता है कि पिताजी आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाता हूं। चला इंद्रजीत अतुलित जो बंधो निधन सुनी उपजा क्रोधा। भाई मर चुका है सुनने के बाद बहुत क्रोधित हो जाता है और इंद्रजीत जाता है। अब इंद्रजीत जैसे जाता है हनुमान जी एक वृक्ष को उखाड़ करके उसके ऊपर फेंकते हैं, उसके रथ चकनाचूर हो जाता है, और एक मुठी का मारी चढ़ा करू जाई ताई एक छन मूर्छा। एक मुष्टिका हनुमान जी ने मारी और मूर्छित हो गया है। अब इंद्रजीत को लगा गया ना ये इनके सामने टिकना बड़ा कठिन है, ये कोई सामान्य बंदर नहीं है। तो ठीक उसी समय वो ब्रह्मास्त्र प्रयोग करता है। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन की न विचार जो न ब्रह्म सर मानव महिमा विचार।
अपार। हनुमान जी ज्ञान करके ब्रह्म सर के बंधन में पड़ते हैं। तो हनुमान जी को कोई बांध नहीं सकता, ब्रह्मा जी को सम्मान करते, ब्रह्मा जी को सम्मान करते। देखो यहां एक शिक्षा मिलती है, जो भी बुजुर्ग है, बुजुर्ग का मतलब सबसे बूढ़े कौन है, ब्रह्मा जी है, दाढ़ी वाले हैं ब्रह्मा जी। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं ना, उनको सम्मान करना चाहिए। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज भी कहते हैं, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़ों को अंत में सम्मान। हनुमान जी को कोई बांध नहीं सकता, जान करके स्वयं बंधन में आते हैं। और उनके बंधन में आने का एक कारण ये है कि भाई इनके जो राज्य में कौन कौन है, क्या क्या है, क्या क्या कर रहे हैं, इन सब की जानकारी भी प्राप्त करना है, जानना भी है, क्योंकि वो सामान्य दूत नहीं थे। सारे समाचार लेकर के जाने वाले, अंदर क्या चल रहा है सब जानना है। मैंने तो रात में देख ही लिए थे, अभी दिन में भी एक बार देख लिया था। और हनुमान जी बंधन में पड़ते हैं, हम जब बंधन में पड़ते हैं तो उनको बांध करके राज सभा में उनको लेकर के जाते हैं। और उस समय रावण उनको पूछता है कि भाई तू कौन है, वन को क्यों उखाड़ दिया, नष्ट किया, तुमने मेरा नाम कभी सुना नहीं क्या? और मैं देख रहा हूं बंधन में जरूर है लेकिन भय रहित है, बंधन में होने पर भी भय रहित है, तो आप है कौन? तो हनुमान जी कहते हैं, जिनके बल से आप अपने आप को त्रिपुर विजयी मान रहे हैं, मैं उनका एक छोटा सा सेवक। तो अपने आप जो बड़ा मान रहा है ना, जिनकी शक्ति प्राप्त करके वो जो भगवान राम है, मैं उन भगवान राम के दूत हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम फल क्यों खाए, पेड़ क्यों तोड़े, ये प्रश्न करते हैं। तो हनुमान जी जो भी प्रश्न करते ना, सारे प्रश्न का उत्तर देते हैं। खाए फल प्रभु लागी भूखा, कभी सुबह तोरे मुरूखा। अरे भूख लग रही थी, सामने फल दिखाई पड़ा, वो बंदरों का स्वभाव है एक टहनी से दूसरे टहनी में छलांग लगाती, तो इसलिए भूख लग रही थी मैंने फल खाया। और फिर असुरों को मारे क्यों? कहते हैं सबसे प्रिय जो होते ना अपना शरीर होता है, सबके दीन परम प्रिय स्वामी, सबका अपने अपने शरीर को सब प्रेम करते हैं। और सारे उमार गामी जितने भी असुर है ये मुझे मारने लगे, तो आत्म सुरक्षा के लिए तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। मैंने उनको नहीं मारा, जिन्हें वो ही मारा ते मैं मारे, उन्होंने मुझे मारे तो मैं उनको मारे, मैंने पहले कुछ नहीं किया, पहले वो मेरे ऊपर मारे, अटैक मेरे ऊपर किए, अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए मैं हाथ पर हिलाने लगा, उस पर बनने गए, मैं क्या कर सकता हूं?